खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। 31 मार्च को पार्टी कार्यकर्ता समागम का आयोजन गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के गोमिया प्रखंड अंतर्गत स्वांग स्थित मनोरंजन केंद्र के प्रांगण में किया गया। समागम लगभग 2 बजे से आयोजित किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आज सुपार्टी सुप्रीमो व सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, राज्य के जल संसाधन एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी शामिल हुए। वहीं अपने संबोधन में आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि यह एक लोकसभा चुनाव में आजसू पार्टी सिर्फ गिरिडीह लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नेतृत्व दिल्ली में करने का कार्य करेगी। साथ ही कहा कि पूरे देश के 130 करोड़ की आबादी में अगर किसी एक व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है तो वह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में समस्याएं तो हैं मगर कार्य की संभावनाएं भी अपार है। जनता ने अगर साथ दिया तो सूरत बदलने के लिए मुझे 25 साल ही नहीं बल्कि 5 साल ही बहुत है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर लंबोदर महतो के द्वारा किया गया। समागम में डॉक्टर के वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न पार्टी को छोड़ दर्जनों लोगों ने आजसू पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए आजसू पार्टी का दामन थामा। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव डुमरी प्रखंड यशोदा देवी, पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत सहित केंद्रीय नेता शामिल हुए। कार्यकर्ता समागम में गोमिया विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ता महिला व पुरुष बड़ी संख्या में जुटे। खबर 365 न्यूज के लिए बोकारो से विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। जगन्नाथ महतो कह रहे हैं कि रिजेक्टेड प्रत्याशी को आंसू खड़ा किया है। अब ये तो पब्लिक नहीं करती है मेरे भाई, ये पब्लिक का काम है। बयानबाजी में और बयानों से ये चीजें नहीं चलती। पब्लिक के जनादेश का इंतजार कीजिए और जनादेश आजसू पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ। भाजपा का कितना सहयोग मिलेगा? हम एक साझा है और साझा रूप में काम करने में अलग अलग रूप से विचार नहीं आते हैं। सामूहिक दायित्व है और सामूहिक दायित्व को हम दोनों मिलकर निभाएंगे। अच्छा, वर्तमान सांसद जो अभी भाजपा के हैं उनसे कुछ बात हो रही है इसमें समर्थन का? देखिए, आदरणीय जो निवर्तमान जो हमारे सांसद जी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो संगठन का निर्णय है, उनके दल का निर्णय है, उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन दल बदलने की बात कर रहे हैं लगातार। मैंने कहा कि ये जनता, चूंकि क्षेत्र की जनता ने बहुत प्यार दिया है उनको, उनका अनादर नहीं करेंगे। अगर दल बदलते तो कितना नुकसान होगा? मैंने उस दिन भी हम आपके बीच में रहे। काम करने वाले लोगों के लिए समय कोई माने नहीं रखता और जो समय, मैंने पहले कहा कि हमको काम करने वाले लोगों के लिए 5 साल काफ़ी होता है और काम नहीं हो पाया, काम हुआ भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं हुआ, लेकिन इस रफ्तार से जिस गति से होना चाहिए वह नहीं हो पाया। उस गति को हम फिर से प्रदान करेंगे और 5 साल मेरे लिए काफ़ी। ये बताइए कि जिनका टिकट काट कर आपको मैदान में उतार दिया गया उनका कितना समर्थन मिल रहा आपको? देखिए, पार्टी है, पार्टी किसी का टिकट काटना, किसी को भागी होना, ये कोई बहुत बड़ा मानने विषय नहीं होता और लोग, सभी लोग इस बात को समझते हैं। और क्योंकि 14 सीट हम लोगों को जीतना और जिसमें 13 सीट भारतीय जनता पार्टी पार्टी को मिला, 500 भी गठबंधन धर्म पालन करते हुए झारखंड के 14 सीट हासिल करने के लिए पार्टी का जो भी योगदान होगा पार्टी का।